हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड पोस्ट पर। उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर सबसे पहले उत्तराखंड पोस्ट पर, साथ ही उत्तराखंड से जुड़े रोचक वीडियो देखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। भारत में पिटबुल डॉग ब्रीड के हमले के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ताजा मामला यूपी के गाजियाबाद से सामने आया है। यहाँ पर इस कुत्ते ने एक बच्चे पर हमला कर दिया और उसका पूरा चेहरा फाड़ दिया। कुत्ते का हमला कितना खतरनाक था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बच्चे के चेहरे पर कुल 100 टांके लगे हैं। घटना गाजियाबाद के संजय नगर की है। यहाँ पर पिटबुल नस्ल के कुत्ते ने पार्क में खेलते एक बच्चे पर हमला कर दिया और उसके गाल को बुरी तरीके से फाड़ दिया। काफी देर तक वहां मौजूद लोगों ने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन कुत्ते ने बच्चे के चेहरे को बुरी तरीके से नोच दिया। फिलहाल अभी तक इस मामले में पुलिस को कोई शिकायत नहीं दी गई है। बच्चे की उम्र लगभग 10 साल की है। परिवार का आरोप है कि जब कुत्ता इतना खतरनाक है तो उसे घर की किशोरी को लेकर क्यों घूमने भेज दिया गया। इस मामले में फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम ने कुत्ते के मालिक को एक नोटिस देते हुए 5,000 का जुर्माना लगाया है कि उन्होंने कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नगर निगम में नहीं कराया। उत्तराखंड से जुड़ी ऐसे ही रोचक वीडियो और खबरें सबसे पहले पाने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।